तो आप लोग जानते होंगे कि पूरे देश भर में और पूरे विश्व भर में जो माहौल बना हुआ है, जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इन सिचुएशंस में बहुत सारे लोग इन दिनों महामारी संकट से गुजर रहे हैं और संक्रमित हैं। और ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री के दो दिग्गज स्टार भी इस तरह की बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनका नाम है अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन। जी हाँ, बॉलीवुड के बिग बी, उनको भी ये जो पॉजिटिव रिपोर्ट आया है, उनका जो एंटीजन है उसमें पॉजिटिव रिपोर्ट निकला है और अभिषेक बच्चन का भी एंटीजन पॉजिटिव निकला है। वहीं उनकी फैमिली में उनके अमिताभ बच्चन की पत्नी, उनकी बहू सूर्या राय बच्चन और उनकी जो आराध्या, जो अभिषेक बच्चन की जो बेटी हैं, इन सब की रिपोर्ट्स निगेटिव आए हैं। बल्कि उनकी पूरी फैमिली में सभी की रिपोर्ट्स निगेटिव फिलहाल आए हैं, जिनके एंटीजन रिपोर्ट्स ही निगेटिव आए हैं फिलहाल। और बात कर ली जाए तो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन को हल्की सी खबरें निकल के आ रही है कि नानावती अस्पताल में उनका टेस्ट किया गया, जिसमें इन दोनों को ही एक क्वारंटाइन कर दिया गया है और दोनों को ही, जी हाँ, इलाज चल रहा है। थोड़ा सा सर्दी जुकाम का अंश दिखा गया है, थोड़ा सा बुखार है। तो दोस्तों, ये खबरें निकल के आ रही है। और बात कर ली जाए तो इस पर खुद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ट्वीट करके भी ये जानकारी दी थी कि हम लोग भी इस बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। दोस्तों, इसको लेकर ये खबरें निकल के आ रही है। वहीं दोस्तों, बात कर ली जाए तो ये जो सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशंस को देखते हुए बीएमसी के अधिकारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए आज सुबह 10 बजे से उनकी फैमिली वालों से मीटअप करने वाले थे। तो उनकी फैमिली किस किस कॉन्टैक्ट में आई थी, उन सभी का टेस्ट किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार ये बीमारी जो है कहाँ तक फैली है और कितने लोगों तक फैली है, कैसे इसको रोका जाए, बहुत सारी बातें। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो फिलहाल इसके टेस्ट जो पॉजिटिव जिन जिन लोगों के आए हैं, सभी को अलग कर दिया गया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है। फिलहाल अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन दोनों ही नानावती अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी खबर है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो ये अभिषेक बच्चन, जो कि एक वेब सीरीज़ की शूट के लिए मुंबई में कई जगहों पे वो गए थे घूमने, उनका चलन था, और ऐसी सिचुएशंस में वो किसी के कांटेक्ट में आ गए होंगे और इसी वजह से वो इस बीमारी से संक्रमित हो गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह का ये खबर निकल के आ रहा है। वैसे दोस्तों, फिलहाल नानावती अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। थोड़ा सा ये अभी फिलहाल डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उनकी तबीयत सही है और आने वाले वक्त में फिलहाल उनकी जाँच चल रही है, इलाज चल रहा है, आने वाले वक्त में जो भी रिपोर्ट होगा सबसे साझा किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको कुछ कहना हो इस पर, मुझे कमेंट्स में जरूर अपनी ओपिनियन शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए।